बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है आंवला कैंडी। तो चलिए झटपट से बनाते हैं आंवला कैंडी। और इस चीज़ के लिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधे किलो के करीब आंवला, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और साथ ही मैं ले रही हूँ 2 कप के करीब चीनी। जी हाँ, इसमें से दो चीज़ें डलती हैं, चीनी और आंवला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंवला को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। कितना बॉयल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसको मैशी फॉर्म में नहीं लाना, सिर्फ 6 से 7 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बॉईल करना। इतना पानी लेंगे पतीले में कि आंवला अच्छे से डिप हो जाए। सब आंवलों को डाल देंगे। ये देखिए बॉयल आ गया है। अब फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये गलने जाए तब तक इसे उबालेंगे। देखिए दोस्तों, आंवला अच्छे से उबल चुका है, फटने लगा है बीच बीच में से। देखें कली अब फटने लगी हैं, इट मीन्स ये अच्छे से उबल गया है। अब इसे निथार लेंगे, यानी कि इसका पानी निकाल देंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से। ये देखें यहाँ पर मैंने जारी रख रखी है। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी, पानी नीचे आ जाएगा, आंवला ऊपर रह जाएगा। फिर इसकी कलियाँ निकालेंगे और गुठली अलग कर देंगे। ये पानी आप ज़ाया ना करें, इसे बाल धोने में यूज़ कर सकते हैं। इसे ठंडा करिए और इसे बाल धोलिए, बाल बहुत अच्छे शाइनी हो जाएंगे। इसे ज़ाया ना करिए, इसमें भी काफ़ी प्रोटीन है इसका, आंवले का, और काफ़ी इसकी खासियतें इस पानी में मौजूद है। तो इसे ज़ाया ना करें, इससे आप बाल धो सकते हैं। इसे अलग रख दीजिए। थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसकी कलियाँ निकाल लेंगे अलग और गुठलियाँ अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह कलियाँ निकलने लगेंगी। बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा, ये खुद ही अलग हो जाएगा। ये देखिए कलियाँ निकाल लीजिए, इसे अलग रख लीजिए और सीट को अलग कर दीजिए। सब कलियाँ अलग कर ली हैं और गुठलियाँ लेंगे, इनकी ज़ाया कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए गुठलियाँ। अब हमें क्या करना है, एक बोल लेना है डीप, उसमें शुगर डालेंगे। पहले ये डालेंगे, उसके ऊपर शुगर फैला के इसे रख देंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद फिर हम धूप में लगाएंगे इसे, धूप लगाएंगे फॉर 2 डेज़। 2 दिन धूप लगेगा, 3 दिन ये पानी के शीरे में पड़ा रहेगा। देखिए दोस्तों, एक कंटेनर लिया था मैंने, उसमें मैंने नीचे आंवला डाल दिए थे कलियाँ निकली हुई, और ऊपर 2 कप के करीब चीनी डाल के फैला दिया था। इस तरह ये देखिए नीचे आंवला है, ऊपर ही चीनी फैली हुई है। अब हमें क्या करना है, इसे कंटेनर को लीड लगा के छोड़ देना है 3 दिन के लिए। 3 दिन पर किचन, 3 दिन के लिए इसे किचन के किसी कोने में छोड़ दीजिए। 3 दिन तक इसे छूना नहीं है। 3 दिन बाद क्या होगा कि शीरा जो है चीनी का वो ऊपर आ जाएगा और आंवला नीचे बैठ जाएंगे। हम शीरे में से उसे निकाल लेंगे, शीरा अलग कर लेंगे और उसे निकाल के धूप दिखाएंगे 2 दिन तक। तेज़ धूप दिखाएंगे 2 दिन तक। अगर आपके घर में हल्की धूप आ रही है आजकल, तो आप 3 दिन, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो चलिए अब इसको रख देते हैं 3 दिन के लिए, ऐसे ही ढककर। देखिए दोस्तों, 3 दिन हो चुके हैं। देखिए सारा शुगर सिरप नीचे आ गया है, देखिए दोस्तों 3 दिन हो चुके हैं इसे रखे हुए, आंवला नीचे बैठ गया है और शुगर सिरप ऊपर आ गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इस पानी को आप ज़ाया ना करें, बल्कि इसको थोड़ा और ठीक करके फ्रिज में रख दिएगा, कंटेनर में डाल के, और रोज़ाना 1 चम्मच आप पानी में डालकर इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस है, क्योंकि आंवले का सारा फ्लेवर, आंवले के जितनी भी खासियत है इस पानी में, इस शुगर सिरप में मौजूद है। तो इसे ज़ाया ना करें, अच्छे से झाड़ के और इसे फैला के धूप में रख दीजिए। 2 से 3 दिन लगेंगे इसको सूखने में। अब धूप पे डिपेंड करता है, हल्की धूप आ रही है तो ज़्यादा दिन लग सकते हैं, तेज़ धूप आ रही है तो जल्दी ये सूख जाएंगे। बेसिकली इसे हमें सुखाना है। अब हम इसमें मिला लेंगे 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे शुगर में। मेक श्योर के सब आंवले की कलियों में ये पाउडर शुगर
ढक जानी चाहिए, तभी आपकी कैंडी अच्छी लगेगी, वरना कहीं से कसीली कहीं से मीठी वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये पूरा कोट कर लीजिएगा अच्छे से, और जब कोट हो जाए तो एक एक करके निकाल लीजिएगा, क्या इसमें ही रहने दीजिएगा। आंवला कैंडी रेडी है, थोड़ा थोड़ा सा झाड़ झाड़ के आप बोल में रखते रहिए। नीचे बनकर रेडी है आंवला कैंडी, ये देखिए। जब आपका दिल करे तो आप इसे खा सकते हैं, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। और ये पाउडर शुगर, ये जो पाउडर शुगर है ऐसे ही लगे रहने दीजिए, और ज़्यादा मिठास आती रहेगी। और इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होती। तो लीजिए बनकर रेडी है आंवला कैंडी, मिलती हूँ आपसे ऐसी कोई कैंडी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।